आज मैं आपको जा रही हूँ आलू की बहुत ही स्वादिष्ट सब्जी बताने, जो पूरी और कचौरी के साथ खाया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं आलू की सब्जी। ये देखिए 8 से 10 आलू मैंने बॉईल करके ले लिया है। ये प्याज, 2 बड़ा प्याज मैंने बारीक कटा हुआ लिया है। टमाटर 3 से 4 बड़े मैंने लिया कटा हुआ। लहसुन, अदरक लहसुन का पेस्ट, नमक, ये गरम मसाला, हल्दी 1/2 स्पून, कश्मीरी लाल मिर्च 1/2 स्पून, जीरा 1/2 स्पून। ये गरम मसाले की रेसिपी मैंने अपने चैनल पर डाला हुआ है, आप देख सकते हैं वहाँ पर जाकर। इन सब मसालों से ही मेरा सब्ज़ी तैयार हो जाएगा, ज़्यादा चीज़ की ज़रूरत नहीं है। देखिए कढ़ाई मेरा गरम हो रहा है, उसमें जो जीरा है 1/2 स्पून जीरा, उसको अच्छी तरह से डाल देना है। डाल दीजिए, देखिए जीरा मेरा भुनकर तैयार है। उसमें जो बारीक कटा हुआ प्याज था, 2 बड़े प्याज, उसको डालना है। सारा प्याज अच्छी तरह से डाल दीजिए। तो अच्छी तरह से फ्राई करना है प्याज को। अब इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट इसमें डालना है, 1/2 स्पून अदरक लहसुन पेस्ट, थोड़ा सा और थोड़ा कम लग रहा है, थोड़ा और इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दीजिए। अच्छी तरह से फ्राई करना है। बारीक कटा हुआ जो टमाटर है मेरा, 3 से 4 बारीक कटा हुआ टमाटर, उसको डाल देना है। ज़्यादा तीखा नहीं होता है, अच्छे से कलर भी बहुत अच्छा है, आपको तीखा पसंद और डाल कर नमक स्वाद अनुसार जितना टेस्ट के अनुसार। अच्छी तरह से ये देखिए मसाला तैयार है, भून कर रेडी। देखिए मसाला तेल छोड़ दिया है, देखिए अच्छी तरह से भून गया, कलर कितना खूबसूरत आ गया। अब इसमें मेरे जो बॉयल आलू है उसको रफली तोड़ कर डालना है, चाकू से काट कर नहीं डालना है, उसको रफली तोड़ कर डालिए। इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है, दिखने में भी बहुत अच्छा लगता है, थोड़ा छोटे बड़े साइज बहुत अच्छा लगता है। तो अच्छी तरह से उसको सारा मसाला को अच्छी तरह से उसको मिक्स कर लीजिए, सारा आलू को मसाले को अच्छी तरह से। ये देखिए ये मसाला सारा आलू में किस तरह से अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है, इसको थोड़ा अच्छी तरह से फ्राई करिए, थोड़ा पानी डालकर इसको फिर से गरम मसाला है उसको डाल दीजिए, क्योंकि उसको पहले नहीं डालना है, क्योंकि ये ऑलरेडी गरम मसाला है, ये भुना हुआ पहले से ही है, इसलिए इसको बाद में डालना है। तो इसको डाल दीजिए, थोड़ा पानी डाल के चला के देखिए ये मेरा सब्जी तैयार है। थोड़ा सा हल्का बॉईल करके, हल्का सा करके जिसको उतार लीजिए, तैयार है, रेडी है आलू।